माफिया अतीक अहमद का तो अब लगभग किस्सा खत्म है, तो वही उससे जुड़े लोगों की भी कमर तोड़ी जा रही है। उन्हें भी सबक सिखाने की योगी सरकार ने ठान ली है। जहां बारी आई है अतीक का केस लड़ने वाले वकील की, जो कि अब कभी भी वकालत नहीं कर सकेगा। एक तो पहले से उसे अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, तो वही अगर वो जमानत पर छूट भी गया तब भी उसकी मुसीबत कम नहीं होगी। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद और उससे जुड़े लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ अपहरण केस में अतीक अहमद के साथ उम्र कैद की सजा पाने वाले उसके वकील खान सौलत हनीफ को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर है कि अब वो कभी भी वकालत नहीं कर सकेगा। ये फैसला प्रदेश में वकीलों को रेगुलेट करने वाली सर्वोच्च संस्था यूपी बार काउंसिल ने लिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उमेश पाल अपहरण केस में उसे दोषी करार और उम्र कैद की सजा दी गई है, इसलिए रजिस्ट्रेशन निरस्त करने का फैसला लिया गया है। यानी अब अगर सौलत हनीफ जमानत पाकर छूट भी गया तब भी वो देश की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकेगा। न्यूज 18 के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बार काउंसिल के सदस्य अमरेंद्र नाथ सिंह का कहना है कि 1 और 2 अप्रैल को होने वाली बार काउंसिल की जनरल हाउस की मीटिंग में इस बात पर औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। मामला आपको बता दें, खान सौलत हनीफ माफिया अतीक अहमद का वकील है, जो कि तमाम मुकदमों में उसकी पैरवी करता था, और उमेश पाल अपहरण केस में खान सौलत हनीफ भी नामजद आरोपी था, जिसके बाद अतीक के साथ सौलत हनीफ को भी 28 मार्च को MPMLA कोर्ट ने दोषी ठहराया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल खान सौलत हनीफ नैनी सेंट्रल जेल में है। फिलहाल आपको ये भी बता दें, प्रयागराज से गुजरात के साबरमती जेल पहुंचने के बाद अतीक के साथ बहुत कुछ बदलाव हुआ है। उसको नई पहचान भी मिल गई है, कैदी नंबर 17052। जी हाँ, अतीक अहमद को कैदी नंबर 17052 अलॉट किया गया है। अब जेल में वो इसी नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही उसे साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में भी रखा जाएगा। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के अपहरण केस में मंगलवार को MPMLA कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन वही अतीक के भाई अशरफ को उमेश पाल किडनैपिंग केस में बरी कर दिया गया था। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। न्यायमूर्ति उन्हें उचित दंड और उनके साथ सिंपैथिक ना करे कि हाँ उनको यानी सजा ना दे, कारावास ना दे। मैं चाह रही हूँ कि उन्हें फांसी की सजा मिले। मेरे आदमी जो है गवाह के अपहरण केस के, तो वो जो है आज 16 साल से लड़ते हुए आज उनका जो है केस का आखिरी था, तो जिसमें उन्होंने यानी ये हुआ था कि सोमवार को उन्हें जजमेंट मिल जाएगा, और उससे पहले ही शुक्रवार की शाम 24 तारीख को उन्हें उनके बेटों ने आकर के हत्या किया, और आज वो इस जगह पर नहीं है। नहीं, ठीक है, फांसी सजा होनी ही चाहिए उनको। कम से कम जो है ये जो घटना किया है इन्हें इस चीज का भुगताना, यानी ये भुगते कि कम से कम इन्होंने ऐसे घटना किया है। आज उनके बच्चे या मैं या मेरा परिवार या मेरा समाज उन चीजों को आज अधूरा समझ रहा है कि हाँ उनके साथ वो नहीं है, तो उनके साथ ये होना चाहिए कि उनको फांसी सजा जरूर होनी चाहिए। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। मैं ये नहीं जानती कि गाड़ी पड़नी चाहिए या नहीं, मैं ये जान रही हूँ कि उन्हें उचित दंड दिया जाए, जो उसके वो मैंने उसके वो हकदार है, क्योंकि इन्होंने मेरे आदमी को निर्मम हत्या करवाई है, तो कहीं ना कहीं इनका जो है अभी तक तो इन्होंने अपहरण केस पे चल रहे थे, तो इन्हें सजा उस तरह से मिल गई थी कि कारावास हो चुकी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मेरा मैं रहूंगी नहीं, मेरा वकील रहेगा, मेरे समाज के लोग रहेंगे, ये सभी लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। मैं सरकार से सिर्फ यही अपील करूंगी कि इन्हें उनका अस्तित्व खत्म किया जाए,
नहीं तो ये कल को अगला टारगेट किसी को भी बना सकते हैं। शायद हो सकता है मैं ही हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं बयां कर रही हूँ तो हो सकता है अगला टारगेट बन जाए। इसलिए मैं ये चाह रही हूँ कि इन्हें सजा खत्म किया जाए, इनको सजा जो दिया जाए वो खत्म होने को दिया जाए, ये खत्म हो जाए किसी। मैं यही कहूंगी कि अभी तक तो आपको ये लगा था कि आपने मारा, सबको मारा तो आप बच गए, आज निर्मम हत्या करवाई, सरेआम करवाई, और आपको इलाहाबाद आने पे डर लग रहा है कि हाँ मेरी हत्या करा दी जाएगी। तो जैसा आपने बोया है वैसा ही आप काटोगे, तो जिस तरह से आपने किया है ये आपके साथ होनी ही चाहिए कि आपको सजा मिलनी चाहिए।